फैमिली बैकग्राउंड मैं बताऊं, मैं तो कायस्थ श्रीवास्तव हूँ। हमारे यहाँ पढ़ाई को बहुत महत्व देते हैं। मेरी मम्मी जो थी वो लेक्चरर थी, मेरे डैडी सुपरिटेंडेंट थे रेलवे में। मैं सबसे छोटा हूँ और हम लोग तीन, थ्री ब्रदर्स एंड टू सिस्टर्स। तो तीन भाइयों में एक मेरे साथ हैं, चित्रेश भाई, वो बड़े भाई है मेरे मुकेश, वो स्टिल ही इज इन जबलपुर, बिलोंग्स टू जबलपुर MP। और सिस्टर दे गॉट मैरिड। तो हम लोग क्या फैमिली में ही हम लोग म्यूजिक एज ए हॉबी, डैडी ने हमेशा बोलते थे पापा मुझे कि बाहर मत खेलो, दूसरों के साथ खेलने मत जाओ, घर पे उससे बेटर है कि म्यूजिक में ध्यान दो। उनको एक शौक था म्यूजिक, तो हम लोग एज ए हॉबी पहले घर में खूब गाना बजाना करते थे। छोटी छोटी ऑफिसर्स की गैदरिंग होती थी घर में, क्लब में, तो हम लोग ऐसे ही बैठे सब, अरे बोले श्रीवास्तव जी की फैमिली को बुला लो ना। बाद में फिर मैं कॉलेज में था और पढ़ाई वगैरह की, तो मुझको मेडिकल में जाना था, डॉक्टर बनना था। और हमारे MP में वो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब का बहुत चलता चक्कर, उसमें मेरे को मिले ही नहीं। मेरा परसेंटेज 84 था और तो भी मेरा वेटिंग लिस्ट में नाम आया। दैन थोड़ा सा अपसेट हो गया था यार, इससे बेटर है म्यूजिक में जाएंगे तो अच्छा। फिर मैं बॉम्बे आया था 1977-78। वहाँ से स्ट्रगल करते करते एज अ म्यूजिशियन मैंने लक्ष्मी जी प्यारे जी के साथ काम किया, और एज अ म्यूजिशियन पंचमदा के साथ, शंकर जी के साथ, राजेश रोशन के साथ, रविंद्र जैन के साथ, ओपी नैयर जी के साथ, सबके साथ संगत किया एज अ म्यूजिशियन, ड्रम बजाना था। और 82 में फाइनली लक्ष्मीकांत जी को, प्यारे जी को ज्वाइन किया मैंने, उनके साथ 10-11 साल तक काम किया। और 1992 में मैं इंडिपेंडेंट म्यूजिक देना चालू किया। फर्स्ट ब्रेक मुझको दिया था सुधाकर जी ने फिल्म कन्यादान, और सेकंड फिल्म थी मेरी आओ प्यार करें जो पहली रिलीज हो गई। फिर उसके बाद आज इतना, लेकिन एक चीज़ है कि इंडस्ट्री में अच्छे लोग हैं और काफ़ी अच्छे लोग हैं। जैसे मुझको तो मैं लकी था इन मामलों में कि मैं प्रहलाद जी की फिल्में कर रहा हूँ, सलीम भाई की फिल्म कर रहा हूँ, विमल जी की फिल्म कर रहा हूँ, और काफ़ी हैं, सुल्तान साहब की कर रहा हूँ, सुल्तान अहमद जी की फिल्म कर रहा हूँ, तो अच्छे लोग हैं। और बस मैं ज़्यादा काम भी नहीं करना चाहता, कम काम और मतलब लंबा चलना चाहता हूँ, यानी कि 2 साल में आए चले गए, मुझे पता ही नहीं बाकी क्या हो। और दूसरी चीज़ आज मतलब मेहनत से काम करना ज़्यादा बेटर और ओरिजिनल काम करना, क्योंकि हर इंटरव्यू में सुनता हूँ हर कोई बोलता है आम ओरिजिनल, बोलता है आम ओरिजिनल, लेकिन ये सब गलत है। आप या तो अगर आप करते हो काम, आपने उठाया है किसी से, आपने किसी ट्यून लिफ्ट की है, तो यू शुड एग्री, तुमको एग्री करना चाहिए कि तुमने किया होगा। लेकिन यहाँ ऐसा चोरी की ट्यून में लेते हैं, अवार्ड भी छाती ठोक के ले जाते थे जैसे पूरा काम इन्होंने किया, तो ये कुछ अजीब लगता है। पहले तो ये नहीं था, मैं जैसे आपको दौर बता रहा हूँ, उस समय पंचमदा फॉर्म में थे, इधर मेरे बॉस LP फॉर्म में थे, तो दोनों में कभी मैंने ऐसा जलन नहीं देखा। हम लोग पार्टी में आते थे, दोनों ऐसे मिलते थे कि जैसे भाई मिल रहे। आज बोलता है ये देख अच्छा, पार्टी में से घूमता है ऐसा, पार्टी में जाता तो बड़ा फिर इतना ख़राब लगता है कि वो एक जैसे आता है तो दो पार्टनर आजकल सब म्यूजिक डायरेक्टर, दो दो में, तो एक बोलता अच्छा मैं उसको संभाल रहा हूँ जरा फील्डिंग करता हूँ, इट्स लुक सो चीप, यू नो, वो सब गंदा माहौल हो गया इतना। ये पहले ऐसा कभी देखा ही नहीं मैंने लाइफ में, तो ये सब चीज़ों से मैं थोड़ा सा भी दूर अभी मैं ऐसा इस करके, क्योंकि क्या है कि मैं बहुत बोल्ड लड़ता हूँ, मैं फट से बोल देता हूँ, जो अच्छा नहीं लगता है बोल देता हूँ। तो मैंने देखा वो बोल्डनेस मेरे कैरियर पे फर्क पड़ रहा था, तो मैं इस करके हाथ जोड़ता हूँ, पार्टी में जाना ही बंद कर देता, क्योंकि यू कांट सी, देखने में अजीब सा लगता है, ऐसा लगता है सो आर्टिफिशियल, और ऐसा लगता अरे यार मैं गया था एक म्यूजिक डायरेक्टर जो टॉप में आया था, वो बोलता मैंने पैर में ऐसे हाथ लगा के मैंने इतनी पिक्चरें की। तो ये तो लाइन, अभी ऐसे ऐसे लोग आ गए तो क्या होगा। जो फील उसमें है हारमोनियम में, जो फीलिंग्स हैं, जो वो इसमें नहीं है, एक्सप्रेशंस नहीं है। सेम चीज़ इलेक्ट्रॉनिक का है कि इलेक्ट्रॉनिक कैन गिव यू द गुड रिजल्ट, गुड रिजल्ट इन द सेंस गुड साउंड बट विदाउट फीलिंग, या तो ये इनमें फ़र्क है। और जो एकॉस्टिक
अभी इलेक्ट्रॉनिक थोड़े दिन का है, ज्यादा चलने वाला नहीं है अभी, वो एक ही एक साउंड लगता है क्योंकि सिंथेसाइजर एक है। अब ये सिंथेसाइजर कई मिशनों ने लेके रखा है, अब चलो भगवान की दया से बाय द ग्रेस ऑफ गॉड मैं तो बजा लेता हूँ मैं इसको, चलो एक इसका सब मालूम है क्योंकि बेसिकली आई एम म्यूजिशियन। बाकी जो म्यूजिक डायरेक्टर है फिर वो देखेंगे यार, अभी ऐसे यार इसे TS-10 यूज कर रहे हैं अभी इसमें देखेंगे बाद में TS-10। अच्छा मिशन को बुलाएंगे तुम्हारे पास TS-10 है क्या, फिर बुलाएंगे जरा साउंड सुनाओ ये करो वो करो। तो ये ऐसे TS-10 मार्केट में फिल्म इंडस्ट्री में एज इट इज कम से कम मेरे ख्याल से 20-25 तो होंगे, लेकिन यही है कि यूज करना आना चाहिए कैसे यूज किया जाता है, और टोटली इसमें डिपेंड जो होता है वो तो नहीं चलेगा क्योंकि एक तो मोनोटोनस लगता है साउंड और एकॉस्टिक एकॉस्टिक है, विदाउट एकॉस्टिक आई डोंट थिंक देयर इज नो लाइफ, स्पेशली म्यूजिक की तो लाइफ रहेगी नहीं। मेरी वाइफ का ऐसा है कि एक मैं थोड़ा सा इस मामले बहुत स्ट्रिक्ट रहता हूँ, कुछ चीज़ें हैं जैसे कि मैं रिलेशन अलग है प्रोफेशन अलग है। हाँ जैसे कुछ हर फिल्म में एक मेरी आओ प्यार करे पहली फिल्म थी उसमें बोखाड़े साहब एक दिन ऐसी बोले यार सिंगर अभी नहीं आई तो एक ट्रैक ले लेते तो आइडिया लग जाएगा तो किसको बुला ले। उतने में वाइफ आई थी शायद थिएटर में ऐसी चली तो मैं कहा अच्छा कोई ना, तो मैंने पूछा भी जाता तुम गा लो ही क्या, लेकिन फाइनल रहेगा कि नहीं क्योंकि डबिंग के हिसाब से गा लेते। तो बुखाड़े जी ने बोले हाँ ये बेस्ट है गवा लो, बोले काय को, और वो उनको इतनी अच्छी लगी कि बोले कोई ज़रूरत ही नहीं डब करने की। फिर वहाँ से अब वो म्यूज़िक बहुत हिट हो गया, तो फिर बुखाड़े जी ने अपने जाने तमन्ना में भी बोला नहीं भाई बाहू का गाना एक रखो उस पर। तो इस तरह से मेरी तो हर फिल्म में रहता है गाना, वो ऐसा नहीं रहता कि मैं बोलता हूँ रखो, इट्स नॉट लाइक दैट। सामने से खुद डायरेक्टर्स जानते हैं प्रोड्यूसर जानते हैं तो पूछते हैं, तो बोला अगर है तो इस टाइप का है गाना,